বিপর্যস্ত শহরের নিকাশি ব্যবস্থা, আর তার জেরেই বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হলো কার্শিয়াঙে। নিকাশি নালার জলে বানভাসী হলো পাহাড়ি শহর কার্শিয়াং। রাস্তার ওপর দিয়ে প্রবল স্রোতে বইছে নর্দমার জল, আচমকা দেখে নদী বলেই ভুল হবে। অভিযোগ, বর্ষায় এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে 2019 সাল থেকে। পুরসভায় বারবার অভিযোগ জানিয়েও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। নালায় আবর্জনা জমে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে নিকাশি ব্যবস্থা। স্থানীয়দের পাশাপাশি পুরকর্মীদেরও নর্দমার আবর্জনা ফেলতে দেখা যায় বলে আরও অভিযোগ। रेनी सीजन में ऐसा प्रॉब्लम होता है। 2019 में भी कंप्लेन किया है और 2020 भी किया है। 2021 में भी अभी और जो जुलाई 30 में 2021-30 में हम लोग सब ने लेकर किया वो फोटो सही किया था। तो आकर क्या आप बोला कि आकर साफ करता है? आकर साफ करते है कैसे साफ करता है? लेकिन ऊपर ऊपर नीचे का नहीं करता है ना, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ये झोड़ा है ना, वहाँ पर वो तोषक भी डाल तोषक और तब तोषक भी डालता है। उसका जितना भी कचड़ा होता है वो फलम सलम सब भी डालता है। यहाँ पर हम लोग ने इतना सारा कंप्लेन भी किया है, वो मत डालना, वो बरसा झड़ी में समस्या होता है, ब्लॉक होता है ना, इसीलिए वो लोग मानते नहीं है। वो म्यूनसिपल का वो जितना भी कर्मचारी है यहाँ पर ऊपर में वो डस्टबिन है ना, वहाँ पर कचड़ा म्यूनसिपल लोग भी इधर झोड़ा में नहीं डालते। म्यूनसिपैलिटी वाली कर्मचारी भी महिला महिला इसमें अच्छा पब्लिक सिर्फ नहीं डालता म्यूनसिपैलिटी में पब्लिक नहीं। অভিযোগ, গত 30 জুন এই মর্মে লিখিত অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও ব্যবস্থা নেয়নি পুরসভা। নিকাশি নালার জলের সঙ্গে ভেসে আসা আবর্জনা যত্রতত্র পড়ে রয়েছে রাস্তায়, দোকান বাজারে ঢুকে পড়েছে নোংরা জল। এর ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। প্রায় 50,000 টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ব্যবসায়ী রূপেশ কুমার প্রসাদের। माने सचेत बनना चाहिए, तो जब जनता ही सचेत नहीं है तो सब जन जिससे आप यहाँ से ये घोड़ा में ऊपर से फोटो ले सकते हैं, तो उसमें अभी भी मैट्रेस वगैरह पड़ा हुआ है, पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है, बोटल्स ड्रिंक करने का क्या हुआ, बोटल्स खाली बोटल पड़ा हुआ है और पत्थर भी बहुत है। तो अभी ये हम काम कर रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स होप, लेट्स बी पॉजिटिव एंड और सब मिलकर हम ये काम जुटाने के लिए। तो अभी हम नगर पालिका सैनिक सिंह जी बात भी सब लगे हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो नेशनल हाईवे का कर्मचारी भी काम कर रहा है। तो यानी कि ये खुल जाएगा कुछ दिन के अंदर? हाँ, निश्चय निश्चय जरूर। এদিকে সিকিমে অবিরাম বৃষ্টির জেরে তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় জারি করা হয়েছে লাল সংকেত, সংরক্ষিত এলাকায় জারি করা হয়েছে হলুদ সংকেত। তিস্তার গজলডোবা থেকে ছাড়া হয়েছে 3,200 কিউসেক জল, এর জেরে তিস্তা নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সিকিম কার্শিয়াঙে ভারী বৃষ্টি হলেও এদিন জলপাইগুড়িতে মাত্র 7 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যুরো।